हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में लॉ एडमिशन टेस्ट डिस्कस किया जाएगा। लॉ एडमिशन टेस्ट 7 मार्च 2021 को मुनक्किद हुआ था। इसके क्वेश्चंस हमें ओरिजिनल पेपर की शेप में आज ही मौसूल हुए हैं। उन तमाम क्वेश्चंस को आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तमाम सवालात को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन हमारे साथ रहिएगा, यकीनन नेक्स्ट पेपर में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं ओरिजिनल पेपर की जानिब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 22। वीवर्स, ये पेपर हमें 22 क्वेश्चन से आगे ऑनवर्ड मौसूल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है लाइम लाइट। लाइम लाइट का मतलब होता है ज्यादा रोशनी, बहुत ज्यादा रोशनी के जुबर में यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका जो सिनोनम है, सिमिलर वर्ड मुतरादिफ है, वो ऑप्शन सी है, गेटिंग पब्लिक अटेंशन। ऐसा शख्स जिसकी पब्लिक में बहुत ज्यादा रेपुटेशन हो, बहुत ज्यादा वाकफियत हो, ये वर्ड जो है ये लाइम लाइट का सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जो है ये मशकूर को कहते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब है मशकूर। इसका जो सिमिलर मीनिंग वर्ड होगा वो ऑप्शन ए है, थैंकफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 24, कैतारा। कैतारा ये एक बीमारी है, ये जिसमें मुंह और नाक से पानी बहता है। इस बीमारी को हम फ्लू कह सकते हैं, ये फ्लू से मिलती जुलती बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 25, ओकुलिस्ट। ओकुलिस्ट कहा जाता है आंखों के तबीब को, आंखों के डॉक्टर को, इसलिए ये ऑप्शन डी जो है सिमिलर है, आई स्पेशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बानी कोलंबस को कहा जाता है। वीवर्स, ये जो लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर 7 मार्च 2021 को मुनक्किद हुआ था। ये डेट आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं, ये 7 मार्च 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना का बानी मो जोंग को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, देर आर डैश प्लेयर्स इन वॉलीबॉल टीम। वॉलीबॉल खेल में 6 खिलाड़ी होते हैं इस टीम में। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज यूज्ड एज वार्निंग इन फुटबॉल। फुटबॉल में पीला कार्ड जो है ये वार्निंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, सवाल नंबर 30 है, समीना बेग इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज क्लाइम्ड डैश इन 2013। समीना बेग 2013 में माउंट एवरेस्ट को सर किया इन्होंने, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द 9/11 अटैक ऑन यूएसए हैपेंड। अमेरिका में 9/11 जो अटैक हुआ था ये 2001 में हुआ था, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन केम इन। ईरान में इस्लामी इनकलाब 1979 में आया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हु अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान इन 1979। 1979 में अफगानिस्तान पर रशिया ने हमला किया था, सोवियत यूनियन। रशिया का पुराना नाम सोवियत यूनियन है। वीवर्स, यहां पे नोट करें, ईरान में जो इस्लामी इनकलाब आया था वो भी 1979 में आया था, और अफगानिस्तान पर हमला भी रशिया ने 1979 में किया था। क्वेश्चन नंबर 34, अरब स्प्रिंग इज अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 2010 में
अरब स्प्रिंग सीरीज जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की करेंसी रियाल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, सवाल नंबर 36 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी येन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द कैपिटल ऑफ टर्की इज। तुर्की का दारुल हुकूमत कैपिटल अंकारा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस। सूबा पंजाब में इन चारों में से कौन सा जिला है। साहिवाल जो है सूबा पंजाब में आता है। वीवर्स यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में साहिवाल का पुराना नाम पूछा गया है। साहिवाल का पुराना नाम मिंटगमरी है, इसको भी नोट कर लें, हो सकता है आने वाले पेपर में इस क्वेश्चन को किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 39, सुई गैस इज डिस्कवर्ड एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश प्रोविंस। सुई गैस बलूचिस्तान में दरियाफ्त हुई थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बलूचिस्तान में एक जगह है, एक कस्बा है जिसका नाम सुई है, जहां से सुई गैस दरियाफ्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ का नाम जनरल टका खान था, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वीवर्स यहां पे एक चीज और नोट कर लें, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट 1972 में क्रिएट की गई, उससे पहले ये सीट नहीं थी। 1972 में जब आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की सीट क्रिएट की गई तो पहले आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल टका खान थे। क्वेश्चन नंबर 41, फेमस फुटबॉल प्लेयर डियागो मैराडोना बिलोंग टू। डियागो मैराडोना फुटबॉल प्लेयर का ताल्लुक अर्जेंटीना से था। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन दी वेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द स्टडी ऑफ स्काई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। स्काई ऑब्जेक्ट्स आसमान से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मुताला एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को कवर कर लेती है और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, सवाल नंबर 46 है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिमांड ऑफ शिमला डेपुटेशन 1906 वाज। शिमला डेपुटेशन की जो डिमांड थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट थे, अलहदगाना इंतखाबात। क्वेश्चन नंबर 47, द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान फॉर्म्ड द फाइव मेंबर कैबिनेट अंडर द गाइडेंस ऑफ। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम लियाकत अली खान ने पांच मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कैबिनेट बनाई। इस कैबिनेट को बनाने का कायद अजम मोहम्मद अली जिना ने ऑर्डर दिया था। क्वेश्चन नंबर 48, पाकिस्तान टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द एक्सपेंशन डिजाइन ऑफ द सोवियत यूनियन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, सोशल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड। सोशल राइट्स सामाजिक हकूक लीगल राइट्स भी कहलाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, गुड गवर्नेंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली इन अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। गुड गवर्नेंस ही एक मजबूत और स्टेबल मुस्तहकम मुआशी निजाम को कायम करती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इकोनॉमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 51, पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द फील्ड ऑफ हॉकी क्रिकेट एंड स्क्वाश। पाकिस्तान ने हॉकी क्रिकेट और स्क्वाश के मैदान में आला खिदमात सर अंजाम देने वाले खिलाड़ी पैदा किए या मुतारफ करवाए। क्वेश्चन नंबर 52, सवाल नंबर 52 है हमारे पास,
इन विच ईयर उर्दू वाज रिकग्नाइज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। बरतानवी दौरे हुकूमत में उर्दू को सरकारी अदालतों की जुबान मुकर्रर किया गया 1949 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें सूबों और फेडरल दोनों गवर्नमेंट्स को पावर्स दी जाती हैं। जिस तरह पाकिस्तान में है पावर्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के पास है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी मुल्क की तरक्की में नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरती मादनियात होते हैं कुदरती वसाइल होते हैं वो नुमाया खिदमात सरंजाम देते हैं उनका एक नुमाया रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 55। विच एरा वाज मार्क्ड विद पोलराइजेशन बिटवीन द सोशलिस्ट ब्लॉक लेड बाय द सोवियत यूनियन एंड द कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोल्ड वॉर एरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। इस्लामियत के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। द बिगेस्ट एज मेंशन्ड इन सूरा बकरा। सूरा बकरा में ईमान के मामलात पर काफी जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57। द सिन विच विल नॉट बी फॉरगिवेनेबल। वो कौन सा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा ना काबिले माफी है। शिर्क ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा ना काबिले माफी जुर्म है गुनाह है। क्वेश्चन नंबर 58। सील ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु मेड शिप वाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो कौन से पैगंबर हैं जिन्होंने कश्ती तैयार की। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। सवाल नंबर 60 है। द डिसबिलीवर्स से दैट देयर इज नो हेयर आफ्टर। जो लोग यकीन नहीं रखते वो रोजे आखरत के बारे में इनकार करते हैं कि रोजे आखरत का तसव्वुर जो है ये नहीं है। डिसबिलीवर्स उन्हें कहा जाता है जो रोजे आखरत पर ईमान नहीं रखते। क्वेश्चन नंबर 61। बिल्डिंग ऑफ इस्लाम इज स्टैंडिंग अपॉन डैश पिलर। इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। ज़कात इज ऑब्लिगेटरी व्हेन अ मुस्लिम हैज वेल्थ वर्थ ऑफ 7.5 तोला सोना। जब किसी मुसलमान के पास 7.5 तोला सोने के बराबर दौलत होगी तो उस पर ज़कात वाजिब है। क्वेश्चन नंबर 63। द मोस्ट स्ट्रेस्ड अपॉन राइट ऑफ पीपल इज। इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। विद होम द टू डॉटर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर मैरिड वन आफ्टर द अदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हों के निकाह में थी। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बड़ी बेटी की शादी उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हों से की। जब उनकी वफात हो गई तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हों से की। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हों को जुन्नुरैन का लकब टाइटल भी दिया गया। जुन्नुरैन का मतलब है दो रोशनियों का मालिक, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हों के निकाह में थी, इसलिए इन्हें जुन्नुरैन दो रोशनियों का मालिक का लकब टाइटल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 65। होली कुरान हैज बीन रिवील्ड इन। कुरान मजीद मेराज नाइट में नाजिल हुआ। मेराज नाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। शम्स, आपने मुतजाद अल्फाज लिखने हैं। शम्स सूरज को कहा जाता है, इसका जो उलट है वो कमर है, चांद। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। दरीना, दरीना का मुतजाद
एंटोनम जदीद होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, फलक। फलक का मतलब है आसमान, आसमान का उलट जमीन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, कज अदा। कज अदा का मुतजाद होगा खुश अदा। क्वेश्चन नंबर 70, बेसूद। बेसूद का अपोजिट है, बेसूद का मतलब है गैर फायदा मंद, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मदरसा जेल के मुतरादिफ लिखें, मिलते जुलते अल्फाज आपने लिखने हैं। वीवर ये 70 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किया है, इसको दोबारा नोट करें। 70 क्वेश्चन बेसूद, इसका मुतजाद होगा मुफीद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, मुतरादिफ अल्फाज आपने लिखते हैं जो जिनके मीनिंग मिलते जुलते हों। हंगाम, हंगामे सहर, हंगामे सहर इसका मतलब है सुबह की, सुबह का वक्त, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, खुशबख्ति। खुशबख्ति का मुतरादिफ सिनोनम खुश नसीबी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वीवर्स ये चंद सवालात हमें मौसूल हुए थे जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और कोशिश की है कि तमाम सवालात को एक्यूरेट आपके साथ डिस्कस करें। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ करेक्ट आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। वीवर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें, हमारी स्ट्रगल, हमारी कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।